तो वॉश मशीन का प्राइस जानने के लिए सबसे पहले हम मार्केट में गए। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप जानना चाहते हैं कि 2022 में वॉश मशीन लगाने का कितना पैसा लगेगा तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि 2022 में यदि आप वॉश मशीन लगाने की सोच रहे हैं तो आपका कुल कितना खर्च हो जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, हम आपका एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। जैसे 2022 में आपको वॉश मशीन कितने का मिल जाएगा, वॉश मशीन में कुछ इस तरीके से टोटी लगती है, आपको टोटी कितने की मिल जाएगी, और वॉश मशीन के बगल में आप देख सकते हैं कि नीचे कुछ इस तरीके से सेटअप वाल लगता है, ये वाल आपको कितने में मिल जाएगा, और इसके साथ साथ इस पूरे वॉश बेसिन को लगाने के लिए लेबर चार्ज कितना लगेगा, और लास्ट में हम आपको ये भी दिखाएंगे कि लेबर और मटेरियल सहित 2022 में वॉश बेसिन लगाने का कुल कितना खर्च हो जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो सबसे पहले यदि हम वॉश बेसिन के यूज की बात करें तो आप देख सकते हैं कि वॉश बेसिन का यूज हम कुछ इस तरीके से हाथ धुलने के लिए करते हैं। तो वॉश मशीन का प्राइस जानने के लिए सबसे पहले हम मार्केट में गए। मार्केट में जाने के बाद हमने ये पता किया मीडियम बेस्ट क्वालिटी का वॉश मशीन कौन सा है। तो मीडियम बेस्ट क्वालिटी में हमें दो वॉश मशीन मिले। यदि हम फर्स्ट वॉश मशीन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल प्लेन है, वाइट कलर का जो आपको वॉश मशीन दिख रहा है ये मीडियम बेस्ट क्वालिटी है, और इसमें किसी भी तरह की फूल पत्ती या फिर किसी तरह का रंग नहीं है, ये पूरा वाइट प्लेन है। और यदि हम सेकेंड वॉश बेसिन की बात करें तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसमें कई रंग भरे हुए हैं जो कि दिखने में वाइट वाले से काफ़ी अच्छा लग रहा है, और सेकेंड वाले में कुछ ऐसे वॉश बेसिन आते हैं जिसमें फूल पत्तियाँ भी बनी होती हैं। तो इसके बाद हमने ये पता किया कि 2022 में सबसे ज़्यादा किसका ट्रेंड चल रहा है, नॉर्मल वॉश बेसिन का यानी कि जो वाइट वाला है बिल्कुल प्लेन है इसका, या फिर कलरफुल वॉश बेसिन का जिसमें कई रंग होते हैं, फूल पत्तियां भी बनी होती हैं। और आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए कि आपको कौन सा वॉश बेसिन पसंद है, वाइट वाला या फिर जो कलरफुल है ये वाला। नेक्स्ट हमने इसका प्राइस पता किया, तो चलिए हम आपको प्राइस कॉपी पर लिख के दिखाते हैं। तो इस कलरफुल वाले वॉश बेसिन का प्राइस पता करने के बाद 2450 रुपये निकल के आया। तो चलिए हम वॉश बेसिन का प्राइस 2450 रुपए लिख लेते हैं। तो कलरफुल वाले वॉश बेसिन का प्राइस 2450 रुपए हो गया। और यदि आप थोड़ा आउट डाउन में जाते हैं तो आपको 1500 से लेकर 1600 के बीच वॉश बेसिन मिल जाएगा। नेक्स्ट यदि हम टोटी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि वॉश बेसिन के बिल्कुल ऊपर हाथ धोने के लिए कुछ इस तरीके से टोटी लगाई जाती है। तो हमने यहाँ पर टोटी का प्राइस पता किया तो हमें पता चला कि वॉश बेसिन में लगाने के लिए एक नॉर्मल क्वालिटी की टोटी लगभग 400 रुपए में मिल जाएगी। टोटी के बाद यदि हम शट ऑफ वाल्व की बात करें तो आप देख सकते हैं कि वॉश बेसिन के बगल में नीचे कुछ इस तरीके से शट ऑफ वाल्व लगाया जाता है। तो यदि हम शट ऑफ वाल्व के प्राइस की बात करें तो मार्केट में आपको कम ज़्यादा बहुत सारे रेट मिल जाएंगे, बट एक मीडियम और बेस्ट क्वालिटी की बात करें तो 250 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो 250 रुपये का आपका शट ऑफ वाल्व हो गया। सेटअप वाल के बाद यदि हम इंस्टॉलिंग रेट की बात करें यानी कि इस पूरे वॉश बेसिन को लगाने के लिए जो लेबर आएगा वो आपसे कितना चार्ज लेगा। तो यदि हम वॉश बेसिन को लगाने की प्रोसेस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि वॉश बेसिन लगाने के लिए सबसे पहले जो लेबर आएगा सेटअप वाल को कुछ इस तरीके से मेन वाटर सप्लाई की पाइप से सेट करेगा। सेकेंड वॉश बेसिन को वाल की सहायता से ड्रिल करके वाल में फिक्स किया जाएगा, यानी कि ड्रिल करने का भी काम करेगा। और इसके साथ साथ वॉश बेसिन का पूरा सेटअप होने के बाद वॉश बेसिन के ऊपर कुछ इस तरीके से एक टोटी भी फिक्स करेगा। तो यदि आप केवल वॉश बेसिन सेट करने के लिए मिस्त्री बुलाते हैं तो कोई भी मिस्त्री आपसे मिनिमम 500 रुपये चार्ज करेगा। यदि आपके पास और भी काम है तो यह चार्ज थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, बट यदि आप केवल और केवल वॉश बेसिन सेट करने के लिए लेबर बुलाएंगे तो प्लम्बर आपसे कम से कम 500 रुपये चार्ज ले लेगा। तो चलिए वॉश बेसिन, टोटी, सेटअप वाल और लेबर चार्ज को ऐड करके देखते हैं कि एक वॉश बेसिन लगाने में टोटल कितना खर्च हो गया। तो सबसे पहले वॉश बेसिन की बात करें तो 2450 रुपए का वॉश बेसिन हो गया, प्लस टोटी की बात करें तो 400 रुपए की टोटी हो गई, प्लस सेटअप वाल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 250 रुपए का सेटअप वाल हो गया, प्लस लेबर चार्ज की बात करें तो एक वॉश बेसिन लगाने का 500 रुपये लेबर चार्ज लेगा। तो 500 रुपये हमने ऐड कर लिया।
टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 3600 रुपये आपका एक वॉश बेसिन लगाने में खर्च हो जाएगा। तो टोटल खर्च की बात करें तो 3600 रुपये एक वॉश बेसिन लगाने में खर्च हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। यदि आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।